गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का 8th चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, भागड़ा नाकड़ प्रोजेक्ट और दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। This is an ambitious project of Peninsular India which was established in the state of Odisha by the Indian government on river Mahanadi which is famous in the name of Odisha Soro. ये जो प्रोजेक्ट जो है हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि भारत के उड़ीसा स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया है और महानदी पर यह बनाया गया है। महानदी जो एक ऐसी नदी है जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दामोदर जो नदी जो है उसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है और उसी तरह से बिहार के अंदर बहने वाली जो कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब शोक क्यों कहा जाता है? शोक मीन्स क्या होता है? दुख होना, है ना। तो क्यों बोला जाता है शोक? शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस महानदी के कारण उड़ीसा के अंदर मानसून सीजन में क्या आती है? बाढ़ आ जाती है, है ना, और अदर सीजन में सूखा हो जाता है, तो अकाल की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी विच ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द बस्टर हिल्स created a situation of flood during the monsoon season in Odisha and river valley regions and causes drought and famine in other season. अब क्या होता है, ये जो महानदी जो है वो बस्तर हिल से ऑर्गेनेट हुई है, उत्पन्न हुई है, वहां से निकलती है एंड जो मानसून के समय में हमेशा वो क्या कर देती है, बाढ़ की स्थिति बना देती है। और दूसरा जो सीजन जो होता है, जैसे दूसरे सीजन के अंदर क्या हो जाता है, सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस कारण इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर अबाउ संबलपुर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 करोड़ रुपीज। अब हीराकुंड डैम जो है वो 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर दूर जो है ये हीराकुंड डैम बनाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बारे में, दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, और ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा दोनों ही डैम हमारे भारत के अंदर है। जैसे बिगेस्ट डैम कहाँ पर है? भारत के अंदर ही है, कौन सा? हीराकुंड डैम, ठीक है। और सॉरी, जो बिगेस्ट जो है वो है भागड़ा नाकल प्रोजेक्ट और जो लॉन्गेस्ट जो है वो है हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दोनों हमारे यहीं पे ही है भारत के अंदर। इट कलेक्ट्स इट विद द लेंथ ऑफ 4801 मीटर। दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम। इट कलेक्टेड 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। इसकी लंबाई 4801 मीटर है और ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है और ये 810 करोड़ क्यूबिक मीटर जो वाटर जो है ये कलेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट इन टिकपाड़ा एंड नाराज। इसके अलावा दो और अन्य डैम बनाए गए हैं, टिकपाड़ा और नाराज। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कम्प्लीटेड इन टू फेजेज। ये जो प्रोजेक्ट जो है वो दो चरण में कम्प्लीट किया गया। इन विच हीराकुंड डैम वॉज बिल्ट इन सेप्टेम्बर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। हीराकुंड डैम जो है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है उड़ीसा के अंदर एंड बारगढ़ कैनल वॉज कर्व्ड आउट ऑन इट्स राइट साइड। और इसकी राइट साइड से बारगढ़ कैनल नहर निकाली गई है एंड सीजन एक सीजन नहर निकाली गई एंड संबलपुर कैनल सिस्टम वर डेवलप्ड इन द फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट चरण में इसको पूरा किया गया है एंड 4 पावर प्लांट्स वर डेवलप्ड इन द सेकेंड फेज। और दूसरे चरण के अंदर जो है जो 4 पावर प्लांट की इसमें 4 पावर प्लांट जो है विकसित किए गए हैं। तो ये जो हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है दो चरण में, दो फेज के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। तो इस पे आपको नोट्स बनाना है हीराकुंड प्रोजेक्ट पे, तीनों ही नोट्स आपके एकदम कंप्लीट होने चाहिए, भागड़ा नागल, दामोदर वैली और हीराकुंड प्रोजेक्ट, क्योंकि तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं जो कि कहाँ के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, राजस्थान के। हम पढ़ेंगे अब, ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के।
तो हम राजस्थान का पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है। इस कंस्ट्रक्शन वो स्टार्टेड ऑन रिवर चंबल, इसका निर्माण जो है वो चंबल नदी पर स्टार्ट हुआ इन 1953 के अंदर, टू प्रिवेंट वियरिंग ऑफ लैंड, फ्लड्स एंड अदर रिलेटेड क्लैमिटीज कॉज्ड बाय दिस रिवर अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द टोटल थ्री फेजेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। गांधी सागर डैम एंड कैनल सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द सेकेंड फेज राणा प्रताप सागर डैम वॉज बिल्ट एट अ प्लेस कॉल्ड रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। देखिएगा ये भी ये जो डैम जो है वो किस लिए बनाया गया है, वही बाढ़ के से बचने के लिए और पोर्टेबल वाटर के लिए, पावर प्लांट के लिए, है ना, ये प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई और इसको तीन चरण के अंदर, तीन फेज के अंदर इसको पूरा किया गया, ठीक है। जो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट जो दिस प्रोजेक्ट जो फर्स्ट फेज के अंदर जो बनाया गया वो प्रोजेक्ट था गांधी सागर डैम, ठीक है। इसमें गांधी सागर डैम बनाया गया और एक कैनल सिस्टम इस पर विकसित किया गया, नहर बनाई गई, जो कि कहाँ पर है ये गांधी सागर डैम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज में बना। सेकेंड फेज के अंदर सेकेंड चरण में राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया, कहाँ पर, रावत भाटा के अंदर, जो कि चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान के अंदर। एंड इन द थर्ड फेज तीसरे चरण में बनाया गया जवाहर सागर पिकअप डैम, जवाहर सागर डैम बनाया गया और एक पावर स्टेशन बनाया गया, कहाँ पर, ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर पर, विद द हेल्प ऑफ कोटा बेराज इरीगेशन इज डन थ्रू कैनल्स इन राजस्थान। और इस कोटा बेराज जो ये बनाई गई, जो इसके द्वारा इरीगेशन की जो जो भी समस्याएं जो थी है वो इसके द्वारा पूरी गई, इस कैनल के द्वारा, इस नहर के द्वारा राजस्थान के अंदर पूरी की गई। अब है राजस्थान कैनल और इंदिरा कैनल प्रोजेक्ट। In order to provide potable water supply in Thar Desert in Rajasthan to use barren land and to populated people on international border, this canal has been carved out from Harike Beraz situated on the confluence of rivers Satluj and Ravi. अब देखो Thar Desert, राजस्थान के अंदर जो Thar Desert जो है उसमें पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए, और ये बैरन लेन जो बंजर भूमि जो है, जो कि जहाँ पर लोग रहते हैं, उन लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, इसे बनाया गया, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे बनाया गया, सतलज और रावी नदी पर, ठीक है। और ये कहाँ से निकाली गई, हरिके बेराज से, हरिके बेराज नामक जगह से। This canal is the largest man-made canal of not only India but also of the entire Asian continent. और ये जो canal जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी largest man-made canal है ना, man-made मनुष्य के द्वारा बनाई गई canal है, नहर है, जो कि सिर्फ भारत की ही सबसे largest नहीं है बल्कि एशिया की भी सबसे, एशिया महाद्वीप की सबसे largest canal है ये, तो बहुत ही important line है, इसको अंडरलाइन करना। दिस कैनल इज द लार्जेस्ट मैनमेड कैनल ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। इट्स टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर लाइज इन पंजाब। इसकी जो टोटल लेंथ जो है वो 649 किलोमीटर है और उसमें से भी 169 किलोमीटर पंजाब में है, एंड 14 किलोमीटर लाइज इन हरियाणा, 14 किलोमीटर हरियाणा के अंदर, एंड द रेस्ट लाइज इन राजस्थान, और बाकी जो बची हुई जो लंबाई जो है वो राजस्थान के अंदर। Through this canal, potable water supply is provided in 9 districts, 29 towns and 3,461 villages of Rajasthan. इसके द्वारा राजस्थान के 9 district को, 29 कस्बों को और 3,461 villages को पीने का पानी supply किया जाता है। This canal was completed in two phases which include Rajasthan feeder and the main canal respectively. ये जो canal जो है वो दो चरण में इसको पूरा किया गया है, राजस्थान canal और एक main canal. Rajasthan canal which is formed from the starting point to Mastiwala and the major canal which is from Mastiwala to the ending point on Mohangad is respectively 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर। ये जो स्टार्ट हुई है मस्ती वाला एक जगह से है
मेन पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट जो ये है और एंडिंग पॉइंट क्या है मोहनगढ़, यहाँ तक है। इसकी लंबाई जो है 204 किलोमीटर है और टोटल जो इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर लंबी है। वेरियस ब्रांचेस एंड लिफ्ट कैनल्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द कैनल फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एरिया इन द इन थार डेजर्ट। और इसी कैनल से बहुत सारी छोटी छोटी कैनल्स भी निकाली गई है, लिफ्ट कैनल्स जैसे कहा जाता है, निकाली गई है, जिसके द्वारा थार डेजर्ट में पानी को पानी उपलब्ध कराया जाता है सिंचाई के लिए और पोटेबल वाटर। टुवार्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर 9 ब्रांचेज आर मेड एज पर द स्लोप देयर एंड ड्यू टू इंक्रीज हाइट वाटर इज टेकन अपवर्ड एंड फ्लोन इनटू स्मॉल कैनल विच आर कॉल्ड लिफ्ट कैनल्स। अब जो एक बड़ी कैनल से छोटी छोटी जो कैनल्स जो निकाली जाती हैं उसे कहा जाता है लिफ्ट कैनल। थ्रू दिस लिफ्ट कैनल्स पोर्टेबल वाटर इज प्रोवाइडेड टू वेरियस टाउन्स। इसके द्वारा जो है इन स्मॉल कैनल्स के द्वारा जो है पोर्टेबल पीने का जो पानी जो है कस्बों और गाँवों में उपलब्ध करवाया जाता है। There are 7 lift canal present. अभी तक इसमें 7 lift canal present में है। Through this canal 17.41 crore hectare of land will be irrigated और लगभग 17.41 crore जो जमीन जो है वो सिंचित की जाती है, सिंचाई करी जाती है इसके द्वारा। Now this project has been extended up till Godhra road of Badmer. और ये अब इस project का जो फैलाव जो है Godhra road Badmer तक इसका कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, हीराकुंड प्रोजेक्ट पढ़ा है और राजस्थान की दो प्रोजेक्ट हमने पढ़े हैं, चंबल वैली प्रोजेक्ट और राजस्थान कैनल या जिसे हम इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो इन तीनों पर ही आपको नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।